ऐसे ही अभी एक कैमरा टेस्ट कर लेते हैं, वीडियो क्वालिटी कुछ इस तरह से अभी फिलहाल जो है ना 30 FPS पे है। Hey guys, तो फाइनली हमारे पास आ चुका है OnePlus का 9R जो कि रिसेंटली लॉन्च हुआ है। और यहाँ पे दोस्तों इस वीडियो में आपको जो है इसके बारे में अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ क्या क्या चीजें हैं और एक रिव्यू भी चलेगा इन फ्यूचर में। तो बस इस वीडियो को बने रहो भाई। ये OnePlus की तरफ से आने वाला है 9R जो कि एक 5G फोन है दोस्तों। तो इसका करते हैं डब्बा खोल अनबॉक्सिंग और देखते हैं इसमें क्या क्या चीज मिलते हैं। आप वीडियो को बस लाइक और प्यार बरसाते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस पहले हम बॉक्स की बात करें तो यहाँ पे डायरेक्टली हम बॉक्स को ओपन करते हैं। जैसे बॉक्स ओपन होता है हमें जो है ना ऊपर में फोन आ जाता है। फोन कुछ इस तरह से है पैकेजिंग। फोन को फिलहाल रखते हैं दोस्तों साइड में और हमें देखते हैं कि बॉक्स में हमें क्या क्या और चीज़ें मिल जाता है। जैसे इसको हम ऊपर उठाते हैं, इसके अंदर में हमें जो है ना बहुत सारे पेपर वर्क लगता है। हाँ, एक TPU केस है एज यूजल, जो ट्रांसपेरेंट TPU केप है। क्वालिटी की बात करें तो ठीक ठाक से है, बट उतना कुछ खास नहीं है। इसको हम रख देते हैं साइड में। बाकी जो है ना आपको पेपर वर्क्स वगैरह मिल जाता है, बहुत सारे पेपर वर्क्स वगैरह है। और इसमें जो है ना सिम ट्रे यहीं कहीं रहना चाहिए दोस्तों, ये वाला सिम ट्रे आपको मिल जाता है। बाकी पेपर वर्क इसको भी हम रखते हैं साइड में। अंदर बॉक्स में बात करें तो दोस्तों यहाँ पे हमें जो है ना वॉप चार्ज मिलता है जो कि 65 वॉट्स का वॉप चार्ज है, कमाल का है। और इसके अलावा हमें जो है ना एक टाइप सी केबल मिल जाता है, अगेन OnePlus का जो आता है रेड कलर के ब्रांडिंग स्टाइल में, तो काफ़ी अच्छा है, मोटा तगड़ा है, दूसरे ब्रांड से अच्छा क्वालिटी दिया है एज यूजल जो कि OnePlus के ब्रांड में देखते हैं। तो फिलहाल आप इसको हम रखते हैं साइड में। आते हैं फ़ोन पे, तो फ़ोन को जैसे हम ओपन करते हैं दोस्तों हमें जो है ना वाव मस्त से फ़ोन यहाँ पे मिल जाता है। कुछ इस तरह से दोस्तों ये फ़ोन हमें देखने को मिलता है। अब फटाफट मैं जो है इसको बूट करके आपसे मिलता हूँ। तो गाइस यहाँ पे अगर फ़ोन की स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आपको जो है ना 5G एनेबल्ड मिलता है, 2 band 5G मिलता है। बाकी आपको 2G 3G 4G के हर तरह के बैंड्स आपको मिल जाते हैं यहाँ पे। यहाँ पे 2021 का मार्च का रिलीज है दोस्तों। और जो है ना फिलहाल जो है ना इसकी वेट की बात करें दोस्तों 189 ग्राम्स का वेट है इसका। फ्रंट एंड बैक में जो है ना गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन दिया है। एल्यूमिनियम जो साइड का जो है ना एल्यूमिनियम का फ्रेम दिया है, ये अच्छा किया है दोस्तों, मेटल का फ्रेम दिया है। और इसका स्क्रीन साइज देखा जाए तो 6.55 का सुपर एमोलेड यानी फ्लूड एमोलेड स्क्रीन दिया है 120 हर्ट्ज के साथ में। आपको जो है इसका स्क्रीन रिफ्रेश रेट मिलता है दोस्तों। और यहाँ पे जो है ना आपको जो है ना 86.8 स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलता है। जैसे कि यहाँ पे आप देखते हैं इसका एकदम फ्लूड 120 हर्ट्ज में आपको जो है ना स्क्रीन रिफ्रेश रेट आपको मिलता है दोस्तों। ड्यूल सिम के साथ में आता है। यहाँ पे आपको जो है ना मेमोरी कार्ड आपको नहीं मिलता है, मेमोरी कार्ड अनफॉर्चुनेटली एक्सपेंड नहीं करते। मेरे पास फिलहाल जो है दोस्तों 12GB 128GB का है जो कि आता है क्वालकम स्नैपड्रैगन 875G प्रोसेसर जो कि बेस्ड है 7nm टेक्नोलॉजी के साथ में, जो कि ऑक्टाकोर प्रोसेसर है। इसमें जो है ना क्रायो का 585 का प्रोसेसर यूज़ किया गया जो कि बहुत ही कमाल का स्पीड आता है। इसमें जो है ना अलग अलग तरह के कोर्स है तो आपको जो है ना परफॉर्मेंस वाइज में कुछ भी दिक्कत नहीं आने वाले हैं। जीपीयू की बात करें तो एड्रीनो 650 इसमें जीपीयू यूज़ किया गया है। अगेन दोस्तों कार्ड स्लॉट इसमें नहीं दिया था, एक ही डिसएडवांटेज हो जाता है। 8GB 256GB इसी के साथ में आता है, बट आपको 256 12GB वेरियंट में भी आता है, इसके दूसरे वेरियंट में भी आता है। तो आप देख सकते हो कौन सा आपको बाय करना है। फिलहाल ये जो है ना आपको 37,000 में आपको मिलता है जो कि है 12GB और 256GB का वेरिएंट जो है 38,000 में आपको मिल जाएगा। आपको नीचे बेस्ट बाय का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे अगर हम आप बात करें तो दोस्तों स्टोरेज में इसमें UFS 3.1 यूज़ किया गया है। और पीछे की साइड में अगर कैमरा की बात करें दोस्तों, कैमरा जो है ना यहाँ पे आपको जो है ना इस तरह का कैमरा सेटअप मिलता है। यहाँ पे 48MP का मेन कैमरा मिल जाता है, फिर आपको जो है ना 16MP का वाइड एंगल और अल्ट्रा वाइड एंगल आपको मिल जाता है, 5MP का और 2MP का मैक्रो कैमरा मिलता है। फ्रंट की बात करें दोस्तों, आपको यहाँ पे जो है ना फ्रंट में आपको जो है ना एक 16MP का कैमरा मिल जाता है। और पीछे में आपको जो है ना मैंने भूल गया था, आपको ड्यूल लेड फ्लैश लाइट, आपको डबल फ्लैश लाइट मिलता है। और यहाँ पे जो है ना वीडियो रिकॉर्डिंग आपको 1080p 30fps और 60fps में कर सकते हो, 4K आप जो है ना 30fps में कर सकते हो। आपको जो है ना यहाँ पे स्टीरियो स्पीकर के साथ में मिलता है, नहीं अनफॉर्चुनेटली इसमें स्टीरियो स्पीकर नहीं दिया है, एक ही स्पीकर दिया गया, स्टीरियो स्पीकर नहीं है दोस्तों। ब्लूटूथ की बात करें तो इसमें 5.1 के साथ में मिलता है, 4500 mAh की बैटरी के साथ मिलता है। बट वूप चार्जर जो कि 65 वॉट्स का है, इसको जो है ना आराम से जो है ना विद इन 45 मिनट्स में फुल चार्ज कर देता है। अगर आप स्टार्टिंग के अगर 10% बैटरी है, अगर 15 मिनट भी रखते हो तो आपको जो है ना 40-50% तुरंत में चार्ज कर देता है। बाकी अगर इसके बारे में और भी टेस्ट वगैरह आपको कुछ चाहिए तो मुझे ज़रूर बताना। अगर स्क्रीन की बात करें दोस्तों,
एमोलेड स्क्रीन है, 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट है, जो कि स्मूथ रहता है जब भी हम यूज़ करते हैं, एकदम स्मूथ रहता है, आपको ब्लॉटवेयर वगैरह कुछ भी नहीं आते हैं, आपको परफॉर्मेंस वाइज में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, पबजी वगैरह COD BGMI आराम से खेल सकते हो। मैंने कुछ गेम प्ले भी करा है और देखो गेम प्ले एकदम मक्खन जैसे चलता है। गेम प्ले के लिए आपको चाहिए डेडिकेट वीडियो तो मुझे ज़रूर बता देना, मैं उसके लिए एक वीडियो लेके आ जाऊँगा। फिलहाल तो इस वीडियो में जो हमने अनबॉक्सिंग और फर्स्ट इंप्रेशन में आपको बताया, बाकी अगर कुछ भी सवाल हो स्पेशली वन प्लस नाइन आर के बारे में नीचे कमेंट करके जरूर बताना, उसके लिए मैं एक वीडियो जरूर लेके आऊँगा जो भी आपका रिकमेंडेशन रहेगा। पीछे की तरफ में एक और चीज़ मैंने बताना भूल गया दोस्तों, आपको जो है ना ये मैट फिनिशिंग स्मूथ के साथ मिलता है, आपको जो है ना ये थोड़ा स्लिपरी टाइप है एक्चुअली स्मूथ होने के बाद, इसलिए जो है ना केस जरूर यूज़ करना रिकमेंडेड है और अपना प्रोटेक्शन वगैरह आप यूज़ कर सकते हो। कैमरा टेस्ट कर लेते हैं, वीडियो क्वालिटी कुछ इस तरह से अभी फिलहाल जो है ना 30 FPS पे है और नॉर्मल मेन कैमरा पे है। ये वाला आपका वाइड एंगल शॉट हो गया, आप देख सकते हो थोड़ा सा जिल्टर वगैरह है यहाँ पे, व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड एक्चुअली। और अगर 2x जूम की बात करें तो क्वालिटी बढ़िया दिया गया है कैमरा का, तो ये 30 FPS में है, एक 60 FPS का भी ट्रायल लेता हूँ। अब जो फुटेज आप देख रहे हो ये जाकर के 60 FPS का है मेन कैमरा से है, और यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा जिटर वगैरह कम हो गया है, बट यहाँ पे आप जो है ना जूम इन या फिर जूम आउट या वाइड एंगल वगैरह सपोर्ट नहीं मिलता है, आपको सिर्फ जो है जो मेन कैमरा से नॉर्मल जो आएगा वही रहेगा। फिलहाल मैं जो है ना मेन KTM के शोरूम पे आया हूँ और मेरे व्लॉग वाले चैनल पे जो है इसका व्लॉग आने वाला है तो ज़रूर देखना भाई। एंड थोड़ा सा जिटर वगैरह हो रहा है एक्चुअली, एंड ऑडियो क्वालिटी आपको पता चल गया होगा, मेन रोड पर हूँ तो ऑडियो वगैरह कुछ इस तरह से है इसका कैमरा का, आप देख सकते हो। फिलहाल जो है 60 FPS का ये फुटेज है और नॉइस कैसा आ रहा होगा मैं घर जा कर के चेक करूँगा फिलहाल जो है ना, बट इसका इस टाइप का क्वालिटी है। और स्टेबलाइजेशन 60 FPS में उतना नहीं मिलता है मैं जैसा वॉक कर रहा हूँ, और क्वालिटी ऐसा दिख रहा है। और ये गैस 30 FPS में है और और इसका स्टेबलाइजेशन देखते हैं कैसा है। इसमें भाई पूरा स्टेबल है, मैं वॉक कर रहा हूँ और अच्छा स्टेबलाइजेशन है इसका। तो 30 FPS में आपको स्टेबलाइजेशन मिलेगा और 60 FPS में जो है ना स्टैंडर्ड है। और वॉक का स्टेबलाइजेशन का बात किया जाए तो भाई फुल स्टेबलाइजेशन मिल रहा है यहाँ पे।